ये LG का TV है, रिपेयरिंग करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ललित इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल, ठीक है। देखो ये फॉल्ट हो गया है, आधा ब्लैक है, ठीक है। इसको रिपेयरिंग करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। खोल कर इसे खोलते हैं, ये ठीक है। ये देखो इसका PCB है, इसका ढक्कन को साइड में रख देते हैं, ठीक है। खोल कर तरीका देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो इसका PCB, ठीक है। ये वाला वर्टिकल IC है, ठीक है। चलो रिपेयरिंग करते हैं, इसका जेक वेक निकाल लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट। चलो चेक करते हैं सप्लाई को, इसका मेजरमेंट करते हैं। 110 वोल्ट दिखा रहे हैं, 111 वोल्ट दिखा रहा है, ये देखो 111 वोल्ट, ठीक। ये वर्टिकल वाले में छब्बीस और 6.4 वोल्ट दिखा रहा है, रेगुलेटर वाले में 11.1 वोल्ट दिखा रहा है, ये ऑडियो वाले में 17.3 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। और इस पार और देख लेते हैं, ये वाला कंडेंसर भी हल्का लीकेज लग रहा है, ये पावर का है 110 वोल्ट का, और ये वाला कंडेंसर भी, ये वाला देखना उसको बताता हूँ, ये वाला 110 का दोनों सप्लाई का है, ये वर्टिकल का है, ये 110 का वोल्ट का सप्लाई है, ये दोनों तीनों कंडेंसर को निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं TV कंडीशन ठीक हुआ कि नहीं, ठीक है ना। वैसे तो ये तीनों को निकालने के बाद सही हो जाएगा TV, देखते हैं, और फॉल्ट थोड़ी ना है, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद कंडेंसर को निकालेंगे, तरीका सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसको निकालेंगे कंडेंसर, तीनों कंडेंसर को, उसके बाद चालू कर कर देखेंगे। आधा एक घंटा कंप्लीट चालू हो जाएगा तो ग्राहक को दे देंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे और समझना है कहीं पर ड्राई सोल्ड वगैरह वैसे तो नहीं दिख रहा है, सीधा आप कंडेंसर को निकालते हैं, ठीक है। ये देखो निकाल रहे हैं, ये पावर का 110 वोल्ट का है कंडेंसर है, ये वाला ये देखो अंदर से लीकेज हो गया है, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं क्या स्थिति है, ये भी 110 का है, वोल्ट का है सप्लाई, इसको ही लगा देख लेते हैं। ये भी फट गया है, देखो अंदर से फटा है हल्का से, ठीक है। इसको भी चेंज कर लेते हैं, और वर्टिकल का सप्लाई को भी देख लेते हैं, ये वाला ये कंडेंसर भी फट गया है, ठीक है। इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये देखो ये भी फट गया है, ये है 1035 वोल्ट है, ये वाला है 47160, ठीक। इसको लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। ये देखो निकाल लिए हैं मेरे 100 MFD 160 होल्डर, ठीक है। इसको पावर के 110 होल्डर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा को लगाएंगे, उसके बाद तीसरा को वर्टिकल वाले को, ठीक है। उसके बाद चालू कर देखेंगे, पहले 110 वोल्ट का लगा लेते हैं, उल्टा सीधा देख कर कंडेंसर का माइनस प्लस, ठीक है। ये देख लगा दिए, ठीक है। इसको भी लगा लेते हैं 110 वोल्ट का, 100 MFD 160 वोल्ट, ठीक है। ये भी
110 वोल्ट के सप्लाई में लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वर्टिकल की, ठीक। उसके बाद समझ में आएगा, चालू करेंगे। उसके बाद तुरंत ऐसे अप डाउन अप डाउन कर रहा था, पिक्चर नहीं होना चाहिए तीनों को लगाने के बाद, ठीक है ना। ड्राई शोल्डर भी था, उसको भी ठीक कर लिए हम लोग, ठीक है। ये देखो इसको भी लगा रहे हैं 1000 mAh 3500 वोल्ट को वर्टिकल के सप्लाई में, ठीक है, कंडेंसर को। उसके बाद तीनों को सोल्डिंग कर देंगे, माइनस प्लस का प्लस को देख कर लगाएंगे, ठीक है। या उल्टा सीधा लगाने से फट जाएगा कंडेंसर, इसलिए माइनस प्लस को देख कर लगाना चाहिए, ठीक। अब सोल्डिंग कर लेते हैं तीनों को, उसके बाद चालू कर कर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं, ये देखो प्लग को लगाते हैं चालू, ठीक। पिक्चर अब बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। मेरे को सबूत पेश कर, ठीक। सारे सबूतों, ठीक है, और गवाहों को मध्य नजर रखते हुए यह अदालत शोभा और विकी को दोषी करार देती है। उसके देखते हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ललित इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल, ठीक है। चलो हो गया कंप्लीट, ठीक।